नमस्कार दोस्तों, हमारे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम 2021 के बारे में बात करेंगे और ये जो लगन है वह है मेन लगन। तो आप अपना लगन चेक कर लीजिए आपकी कुंडली में, जहां फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मेन लगन है। तो यहाँ पर ये जो कुंडली है वो 1 जनवरी 2021 का जो गोचर रहेगा उसके अनुसार तैयार की गई है। और आप में से बहुत से जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो वीडियो देखते हैं रात भर, वो वहाँ पर सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि उनको 2021 की प्रेडिक्शन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ 2-3 वीडियो अवेलेबल हैं बट उनमें कोई क्लियर आइडिया नहीं दिया गया है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए मैं वीडियो तैयार कर देता हूँ और उसी श्रृंखला में मैंने ये जो है 12 वीडियो तैयार किए। ये अंतिम वीडियो है मेरा इस श्रृंखला का। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके लगन के अनुसार वीडियो है। अगर आपकी मेन राशि है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे अगर आप लगन के अनुसार वीडियो देखेंगे तो आपको जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा सटीक मिलेंगे। साथ ही आपका लगन मेन है या आपकी राशि मेन है, ये चीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए, जिससे मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपका जो मेन लगन है या मेन राशि है। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मेन राशि है और उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, या फिर कितने जो मेन लगन के लोग हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और मेरे वीडियोज आप देखते हैं। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और कोई भी बात आपके मन में हो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं लगन को। लगन का जो लॉर्ड है गुरु, वो आपके 11th हाउस में रहेंगे और यहाँ पर ये मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं, आपको ये पता होगा। तो नीच के गुरु हैं लेकिन यहाँ पर ये शनि के साथ गोचर कर रहे हैं और शनि इसी मकर राशि के लॉर्ड हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पर इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे। साथ ही 11वें भाव में गुरु काफ़ी अच्छे माने जाते हैं धन के लिए, यानी इनमें जो है यहाँ पर जब 11th हाउस में गुरु होते हैं तो धन का लाभ बहुत होता है और बिल्कुल नकद धन आता है। तो इस प्रकार से आप इस गोचर को देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है उनका गोचर भी आपके सेकंड हाउस में है, तो साल की जो स्टार्टिंग है वो धन के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम देख लेते हैं गुरु का जो यहाँ से जो यहाँ पर गोचर रहेगा, ये आपके 11th हाउस में रहेगा 1 जनवरी 2021 को। यहाँ ये शनि के साथ रहेंगे, तो जब राशि लॉर्ड के साथ यहाँ गोचर करेंगे तो वैसे भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे, तो आपको धन काफ़ी आएगा इस समय में। और शनि भी अपनी खुद की राशि मकर में है, यानी कि आपके 11th हाउस में, 11th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में होने से यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं आपके धन लाभ के। साथ ही शनि जब मकर राशि में होते हैं तो ये मैटरलिस्टिक अप्रोच को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपको वैसे भी शनि से भी काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ होगा। इस प्रकार से आप इस गोचर को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ हम आगे बात करते हैं। देखिए आपके 10th लॉर्ड साथ में, आपके 10th लॉर्ड भी जो है गुरु बनते हैं, तो 10th लॉर्ड का आपके 11th हाउस में होना आपको आपके प्रोफेशनल कैरियर से लाभ को दिखाता है। धन का लाभ होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और साथ ही सूर्य और बुध की जो युति बन रही है इसकी वजह से आपको यहाँ पर सरकारी नौकरी मिलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे, अगर आप किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं 1 जनवरी 2021 के दौरान। तब तो यहाँ से जो गुरु का एस्पेक्ट रहेगा वो आपके 3rd हाउस पे रहेगा। 3rd हाउस पे एस्पेक्ट रहने से आपको काफ़ी लाभ होगा, कम्युनिकेशन में भी काफ़ी अच्छा लाभ होगा। यहाँ पर राहु की नेगेटिविटी जो है वो कंट्रोल होगी। साथ में अगर आप राइटिंग करते हैं, यानी आप आर्टिकल राइटिंग करते हैं या आप बुक्स के राइटर हैं, तो आपको विशेष लाभ इस गोचर का होने वाला है। इसके साथ ही यहाँ से गुरु की दृष्टि रहेगी आपके 5th हाउस पे। 5th हाउस पे दृष्टि होने से संतान पक्ष की ओर से कोई चिंता है तो वो दूर होगी। संतान की एजुकेशन काफ़ी अच्छी इस समय में होगी, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे एजुकेशन में। साथ ही आपकी एजुकेशन भी बहुत ही अच्छी होगी और आपका कोई एजुकेशनल काम अगर अटका हुआ है तो वो काफ़ी प्रोग्रेस पर रहेगा इस समय में। आपको भी आपके एजुकेशनल कैरियर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट इस समय में मिलेंगे। साथ ही आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी इस समय में उभर कर सामने आएगी।
आप इस समय में मनोरंजन का भी आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही आप जो पंचम हाउस से जो हमारे लाभ हैं, यानी एक तो पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं उनसे भी आपको लाभ मिलेगा, साथ ही आपको कोई सट्टा जुआ लॉटरी में भी यहाँ पर धन मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा लाभ आपको होने वाला है इस गोचर का। साथ ही इनकी जो अगली दृष्टि है वो आपके सेवंथ हाउस पर रहेगी। सेवंथ हाउस पर रहने से यहाँ पर लाइफ पार्टनर के साथ आपके जो संबंध हैं वो ठीक रहेंगे और आपको आपके कोई बिजनेस है तो उससे भी काफ़ी लाभ होगा। तो इस प्रकार से जो गुरु का ये गोचर रहेगा आपके इलेवंथ हाउस में, ये आपको लाभ देगा। इसके बाद 2021 के अंत में लगभग नवंबर में गुरु का गोचर यहाँ से जो है शिफ्ट हो जाएगा बारहवें भाव में। बारहवें भाव में गुरु आने से आपके वे भाव में आ जाएंगे और साल के अंत में आपके वे भाव में गुरु रहने से आपको धन का थोड़ा खर्चा होगा और ये खर्चा किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए हो सकता है। इस समय में आप जो भी डिसीजन लेंगे 2021 के अंत में वो आपके गलत जा सकते हैं। और आपको जो लाभ है, जो आपको जॉब में लाभ हो रहा था उसमें भी थोड़ी बहुत कमी रह सकती है। साथ ही आपको यहाँ पर प्रोफेशनल कैरियर में एक थोड़ा सा जो है रुकावट सी रहेगी। तो साल के स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा समय रहेगा, बहुत ही बेस्ट समय रहेगा, लेकिन अंत में थोड़ा सा जो है गुरु का गोचर चेंज होने की वजह से बारहवें भाव में गुरु के गोचर से थोड़ा सा है आपको यहाँ पर धन का नुकसान, या आप ये समझ लीजिए कि वे भी हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी कंडीशन रहेगी, वैसे आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस के लॉर्ड जो कि मंगल हैं, और मंगल अपनी स्वराशि में रहेंगे, मेष राशि में रहेंगे, जिससे आपको सेकंड हाउस भी स्ट्रांग हो गया, जिसकी वजह से आपको धन लाभ काफ़ी होगा। लेकिन यहाँ पर जो मंगल हैं ये आपको आपके परिवार में कोई झगड़ा करवा सकते हैं। वैसे अपनी खुद की राशि में है तो इतने नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, बट आपको मंगल जहाँ भी स्थित होते हैं उस भाव से थोड़ा सा जो है सावधान रहें, वहाँ पर झगड़े जैसी सिचुएशन बन सकती है। तो आपको इस प्रकार से मंगल यहाँ रिजल्ट देंगे, साथ ही आपका जो परिवार है वहाँ पर आप खुशियों को एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ से मंगल की जो दृष्टि रहेगी वो आपके पंचम हाउस पर रहेगी। पंचम हाउस पर दृष्टि रहने से आपकी जो संतान है उसके साथ आपके संबंध काफ़ी अच्छे होंगे, और वही बातें जो मैंने गुरु के गोचर के लिए बोली हैं, यानी कि एजुकेशन के लिए एक तो बहुत अच्छा रहेगा, साथ में आपको यहाँ से धन लाभ भी करा सकते हैं मंगल। इसके साथ ही मंगल की दृष्टि यहाँ पर आपके नाइन्थ हाउस पर रहेगी। नाइन्थ हाउस पर जो दृष्टि रहने से आपको यहाँ पर इनका जो है भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही केतु और शुक्र की युति भी यहाँ रहेगी, जो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर लाभ देगी आपके भाग्य से। तो यहाँ से आपको हालांकि थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि केतु का गोचर आपके नाइन्थ हाउस में होगा। केतु का गोचर यहाँ होने से थोड़ा सा जो है भाग्य को आप हमेशा दोष देते रहेंगे जब तक केतु यहाँ रहेगा। साथ ही आपके फादर से भी आपके थोड़े जो रिलेशन हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है, बातचीत में या फिर अन्य किसी कारण से। अब बढ़ते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र, जो कि मैंने अभी बताया कि आपके नाइन्थ हाउस में रहेंगे, ये आपके भाग्य को सपोर्ट करते रहेंगे। राहु से ये दृष्ट रहेंगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ देंगे। थर्ड हाउस के जो राहु हैं आपके, ये आपको कोई ऐसा काम जो पत्रकारिता से जुड़ा है या फिर मीडिया से जुड़ा है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ है या टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ देंगे। साथ ही इस भाव के जो लॉर्ड हैं शुक्र, ये भाग्य भाव में होने से भाग्य का सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा, हालांकि भाग्य के सपोर्ट से आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। साथ में केतु के यहाँ स्थित होने से आप कोई लंबी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं आगे और फोर्थ हाउस में आते हैं। फोर्थ हाउस के लॉर्ड बुध बनते हैं, जो कि आपके टेंथ हाउस में रहेंगे, और इस हाउस पर इनकी बुध की दृष्टि रहेगी 1 जनवरी 2021 के अनुसार। तो ये आपको सुख स्थान में वृद्धि करेगी, साथ ही आपकी जो माता का स्वास्थ्य है काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको गवर्नमेंट से काफ़ी लाभ मिलेगा, आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर आपके गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे, साथ ही आपको लाभ भी होगा। और सूर्य यहाँ पर जब बुध से युति करेंगे तो आपको सरकारी सहायता जरूर मिलेगी।
साथ ही यहाँ पर आपके बुध जहाँ वो सेवंथ लॉर्ड भी हैं। सेवंथ लॉर्ड का जब टेंथ में आते हैं तो यहाँ पर आप अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छा महसूस कर पाएंगे, आपको आपके लाइफ पार्टनर से भी आपके जॉब में हेल्प मिल सकती है। साथ ही अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पर मिलेगा। बाद में हम बढ़ते हैं आगे और सिक्स्थ हाउस को देखते हैं। सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड सूर्य बनते हैं जो कि आपके टेंथ हाउस में रहेंगे। टेंथ हाउस में यहाँ पर सूर्य काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे। आपको पता है टेंथ हाउस में सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं और सिक्स्थ हाउस से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, आपको रोग ऋण शत्रु की या फिर आपको डेली वर्क रूटीन में परेशान होना, ऐसी कोई तकलीफ इस समय में नहीं रहेगी। साथ ही हम बढ़ते हैं आगे और अब लगभग हमने यहाँ पर सभी हाउसेज की बात कर ली है और अब हम राहु के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड हाउस के राहु हैं आपके और ये वृषभ राशि में है, अपनी मित्र राशि में है, तो ये आपको काफ़ी अच्छा लाभ देंगे कम्युनिकेशन के फील्ड में। हालांकि आपके जो भाई बहन है छोटे उनसे आपके संबंध थोड़े खराब रह सकते हैं, आपके पड़ोसियों से भी आपके संबंध काफ़ी खराब रह सकते हैं इस समय में, अगर आपके राहु लगन चार्ट में बहुत ज़्यादा खराब पोजीशन पे है तब। इसके साथ ही आप में इस समय में पराक्रम बहुत होगा, आपके सामने कैसी भी मुसीबत आए आप उसका सामना बहुत अच्छे से करेंगे। और राहु का ये जो गोचर जब तक आपके थर्ड हाउस में रहेगा तब तक आपको नेम फेम मिलेगा, काफ़ी अच्छा नेम फेम आपको मिलेगा, आप टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप किसी भी प्रकार का जो न्यूज़पेपर वगैरह का जो फील्ड है, मीडिया का फील्ड है, उसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। यूट्यूब से भी आप इस समय में काफ़ी जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो राहु हैं ये आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। साथ ही यहाँ पर राहु का एस्पेक्ट आपके सप्तम हाउस पे रहेगा। सप्तम हाउस पे एस्पेक्ट रहने से आपको थोड़ा बहुत लाइफ पार्टनर के साथ भी संबंधों में दिक्कत रह सकती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। हालांकि आपके जो बिजनेस अगर है तो उसमें बहुत अच्छा लाभ राहु यहाँ से देंगे। साथ ही इनका भाग्य भाव पे एस्पेक्ट रहने से आपके भाग्य को बल प्रदान करेंगे। और इनका जो अगला एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस पर रहने से आपको काफ़ी लाभ होगा, इच्छा पूर्ति में जो है राहु आपकी सहायता यहां से करेंगे। तो ये जो साल है 2021 का आपके लिए बहुत खास रहने वाला है और इसके स्टार्टिंग में आपको काफ़ी धन लाभ होगा, यहां पर काफ़ी पैसा आपके पास आएगा और उस पैसे को आप अपने सुख के लिए खर्च करेंगे, अपनी फैमिली के सुखों के लिए, इंजॉयमेंट के लिए आप उस पैसे को खर्च करेंगे। तो यहाँ पर साल के अंत में जब गुरु का गोचर थोड़ा बहुत यहाँ से चेंज होकर जब आपके 12वें भाव में गुरु आ जाएंगे तो हालांकि थोड़ा वे को जरूर दिखाएंगे और किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हेल्थ का खराब होना भी यहाँ से दिखाएंगे। आपके सभी डिसीजंस जो हैं वो गलत जाएंगे, बड़े डिसीजंस जो आप लाइफ में लेते हैं, तो इस प्रकार से आपको अंत में जरूर सावधान रहना होगा, बट स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी होगी, काफ़ी पैसा आपके पास होगा, आपका नेम फेम काफ़ी अच्छा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।